न्यूजीलैंड बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाला तीसरा टेस्ट मैच रद्द। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च चर्च के दो मस्जिदों में अज्ञात हमलावरों की गोलीबारी और कई लोगों के मारे जाने के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट पर है। खबर आ रही है कि कल से क्राइस्टचर्च चर्च में शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट मैच को भी रद्द कर दिया गया है। इसकी जानकारी न्यूजीलैंड क्रिकेट ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी दी। एक अधिकारी ने बताया कि अभी खेल के प्रति कोई विचार नहीं है, यह हमला अभी तक का सबसे बड़ा चिंता का विषय है। खिलाड़ियों को भी अभी कुछ समय देना चाहिए। बता दें कि जिस वक्त मस्जिद में गोलीबारी हुई, बांग्लादेश की क्रिकेट टीम वहां पर भी मौजूद थी। हालांकि टीम के सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं। बाल बाल बचे बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने ट्विटर पर अपनी आपबीती भी सुनाई। बांग्लादेश क्रिकेटर तमिन इकबाल ने भी ट्वीट कर बताया कि उनकी पूरी टीम इस समय सुरक्षित है, आप हमें दुआओं में याद रखें। इस गोलीबारी में मरने वालों की संख्या अभी साफ नहीं है, लेकिन स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस गोलीबारी में करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई है। बंदूकधारी के हमले के बाद लोगों की भीड़ मस्जिद के दरवाजों से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। मस्जिद के इमाम अहमद अल महमूद ने कहा कि बंदूकधारी अंदर घुसा और अंधाधुंध फायर करने लगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहती हैं। धन्यवाद।